Hi guys, welcome back to another vlog. Hi, my name is Shanvi and I'll be really really happy if you go and check out my other videos. Also go and subscribe to my channel below. I'm in some shoes at home right now. Hi guys, welcome back to another vlog. अपनी गर्दन ना ऐसे गोल गोल घुमा 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 और मेरे गणेश जी का पेट ना बिल्कुल सेम हो गया है अभी या चलो चले चल जोकर है यार। तेरी मुझे सो रही है नहीं करती मुझे सब पता है क्या पता है तुझे क्या था? मुझे नहीं पता है मुझे नहीं पता है मुझे नहीं पूछो ना इससे जाना तेरी यादें मुझे सो रही जाना तेरी यादें मुझे मैं भी कहूंगी ना ये देख मेरे बाल ये इधर से जाके ऐसे मुड़े हुए हैं मेरे यार टेढ़े हो गए हैं रुक एक मिनट यार मुझे सोने ही नहीं देती मुझे नहीं पता है मुझे पूछो ना क्या नहीं पता तुझे यही है ना लिरिक्स कुछ यही है मुझे नहीं पता है तो बीच में खा रही है पता नहीं तू चल जाने तेरी यादें जाने क्या जाने कौन जाने तू जाने ना तू हॉस्टल वालों में जगा ले खुद तो तूने सो लिया जाना तेरी यादें मुझे सोने ही नहीं देती मुझे नहीं पता है इसके आगे कुछ और भी है लाइफ जाते जाते दिल के होते सवेरे जाना तेरी यादें मुझे सोने मुझे तू तो अच्छे से सोई थी भाई जाना तेरी यादें मुझे सोने ही नहीं देती मुझे नहीं पता है मुझे नहीं पूछो ना अच्छा ठीक है बाय मेरे इधर बाल फंसे हुए हैं इसको नहीं मेरे इधर बाल फंसे हुए हैं इसको अपना करना है जाना तेरी यादें मुझे सोने ही जाना नहीं देती मुझे नहीं पता नहीं रहा है मुझे नहीं पूछो ना ओ वाओ बारिशों में जब यार ये क्या है हम काट रहे पड़े हैं ये बाल लाओ कैंची ला फिर अब क्या करना है निकल नहीं रहे पता नहीं कहाँ फंसे ऐसे खींच दे दो दांत टूट जाएंगे क्या हुआ बेबी यार ये फंस गया किसने बोला था ये लगाने के लिए आपको यार निकालना जल्दी से नहीं ये लगाने के लिए किसने बोला था ऐसे लग रहा है फिर मैं दूर लग रही है तू बाय गॉड यार ये निकालना जल्दी देखो गाइस कितनी शक्ल मिलती है ये देखो इसके इसकी शक्ल देखो इसके बाल देखो ये देखो सेम है ना ऐसे दूसरी जानवी मतलब जानवी की बड़ी बहन सीरियसली ऐसे दोनों ही जैसे लग रहे हो यार यहाँ पे हम अपने यूटेंसिल साफ करते हैं आ गया पानी पहले मैं गंदे लगी थी नहीं आया और वो जो बर्तन रखे किसी ने कितने वो हो गया ना बाहुबली खत्म हो गया यार अब हम ना धोने वाले और ना अब क्या करें थोड़ा सा पानी उधर से लेके आते हैं वो ऑटो वाले से इसमें कप में लेके आ जुगाड़ तो करने पड़ेगा ये लेकर मैं लेके फाइनली मोटर आ चुकी है
ये पानी पता नहीं कितनी देर के बाद आएगा यार इसमें। हाय गाइस, मेरे चम्मच लिए तूने? आजकल इतना सही मौसम हो रहा है ना यार, बट उस सही मौसम के कारण मैं नीचे भी नहीं सो पा रही हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है मेरे रूम में। सब ऊपर वाले रूम में ना आधी ठंड है कंपैरेटिवली नीचे वाले रूम से। सही में तो शर्म आ रही है, देखना लड़कियों वाले ड्रामे कर रही है। अब तू भी तैयार होके आऊंगी तो व्लॉग में। मतलब हम शंकर भैया से साबुन लेने जा रहे हैं। शंकर भैया को थोड़ा तंग करेंगे। शंकर भैया आजकल अपना काम घूम नहीं करते, काम ही करते हैं, बोलते हैं कुछ बोलो तो बोलते हैं ही नहीं है। भैया शंकर भैया वाली दुकान से नहीं रहेंगे, दूसरी वाली दुकान पे चलते हैं। आज धोखा हो गया शंकर भैया के साथ। पुराने रिश्ते अक्सर भूल जाया करते हैं लोग नए लोगों के आने से। वैसे ही अभी हम आ रही है हॉस्टल के बाहर। ओ हम दिखा नहीं पाएंगे। शंकर भैया कपड़े धोने वाले साबुन दो। यहाँ आके आप कॉफी पी सकते हो, प्याज खा सकते हो, आलू खा सकते हो, चक्षु को मिल सकते हो, डॉग्स देख सकते हो। रू को एक आंख से दिखता नहीं है, फिर भी ये पूरा पूरा प्यार लेता होता है। ये जिप्सी की तरह लगता है यार। मेरे पास हमारे बूजी के घर पे ऐसा डॉग होता था। हाय क्यूटी, क्यूट, हाय क्यूटी। चलो चलो यार, काश ये पूरा वाइट होता। ऐसे वाले इयररिंग्स होते हैं जो छोटे वाले पंख से बनाए होते। सोच इतने बड़े पंख वाले इयररिंग्स पर पहन के जाएगी उर्फी पहन के जाएगी। नहीं उर्फी तो उसकी टॉप भी बना लेगी सही में। प्लीज उर्फी इससे कुछ क्रिएटिव करें। बस मेरा ही ब्लॉग देखेगी वो बोल के हाँ जानी ने नाम दिया मेरा सही में। वो ऐसे अब ये इंस्पायर होके इससे कुछ बनाना चाहिए उसको। कुछ भी बोलते हैं लोग यू नो। ओ ये क्या लगा है यार, तेरी एक्सप्लोर करती लगा गया। पर ये सेब है क्या? नहीं क्या सेब अपनी टॉप थोड़ी है, ये कुछ हो रही है बिना खाने लायक। खाने वाला करती है एक्सप्लोर तो सब कुछ देख। खुशी होती है मुझे। थोड़ी थोड़ी सी बारिश पड़ रही है। इसमें कीड़ा भी निकला है और बाल भी निकला अपनी भैंस के खाने से। बेचारी को भूख लगी हुई थी, अब मन ही नहीं है इसका खाने का। सीधे बोल दे हमारी किस्मत खराब है। इसको अतुल भैया की दुकान के पास मैंने दिखना ये ऐसे मतलब लेट के कि अब मुझे ऐसे ऐसे ओ उन गाड़ी आ रही है साइड हो जाओ। चुटकी आ गई, चुटकी चुटकी आ गई, चुटकी चलो साइड हो जाओ। चुटकी आ गई, चुटकी आ गई, चुटकी आ गई यार। यार बड़ी प्यारी है छोटी से। चिनी चिनी बोलू बोलू ओ चुटकी उठ जा अब यार, बीच में क्यों सो गया? उठ जा कह रहा है मुझे सोने दो। चल घूम के आ जा। यार कुछ खाने को भी नहीं है, मुझे खुद भूख लग रही है, इसको क्या खिलाऊं? चल यार हम खाना खाने लगे। ये ना फुल्के पता कैसे हैं, जैसे हम रबर को स्ट्रेच करना पड़ता है ना। सबसे पहले देखना ही नहीं है कि फुलका है पूरी है क्या। पहले ही निकाल देना क्योंकि एक खाने लायक होता ही नहीं है। इसको साइड से निकाल के फिर आप कितना सा फुलका ले सकते हो, वो भी अगर आपको ज्यादा भूख लग रही है। हाँ, तो और आपके दांत स्ट्रांग होने चाहिए। हाँ, फुलके खाने के लिए। अगर दही है तो खा सकते हो आप अच्छे से फुलका। सही बात है, भूख लगी हो फिर नहीं दिखता इतना। नहीं लगी हो तो फिर मुश्किल हो जाता है। अरे ये चावल बस ऐसे ही पड़े हैं खाने के लिए। खाना हमने ये फुलका है, फिर भी जो भी हो जाए।
मतलब मैंने ना इतने प्यार से लिया था कि मेरे को ये वाली सब्जी अच्छी लगती है, बट जब मैं फुलके को स्ट्रेच कर रही हूँ ना, ऐसे लग रहा है मैं च्युइंगम खा रही हूँ, लिटरली ऐसे ही लग रहा है। और मतलब दही मिला था इतनी देर के बाद, फुलके भी अच्छे मिल जाने थे। और ये देखो, ये देख रहे हो, ये फुलकों में से निकला हुआ है। मतलब इसको आगे पीछे पूरे वाइट वाइट हो गए होते हैं इसके, पूरी बेडशीट हमें पूरी पूरी बेडशीट हमें जालनी वगैरह पड़ती है। नहीं नहीं, फंडनी बढ़ती है, फंडनी बढ़ती है, जालना जुड़ना, फंडनी बढ़ती है, फंडनी फंडनी पौंदी है, फंडनी पौंदी बेडशीट पूरी, पूरा ये चिट्टा चिट्टा पैदा होगा। I hope you liked the video, and if you did, please don't forget to like, share and subscribe to my channel, and I'll see you guys in my next video. Till then, stay safe and stay happy. Bye.